जो तकलीफ घर में चला बिना भातार कर जानी है हमें खान। क्या ची नाम है आपका? सार्ज पहन। आपका पति? घुरन पहन। घुरन पहन वो तो जेल में है। पति आपका जेल में है? हाँ। कितना साल से? 18 साल 19 साल हो गए। 18-19 साल से जेल में है। हाँ। और बाल बच्चे आपके? ये तो एगो है, बेटा है। एक बेटा है। हाँ। और घर में कोई नहीं? नहीं, बस एक आप हैं और एक आपका बेटा है। हाँ। इतने हमारे छुआ रहा है अखन, तोर से तोर उतना बड़का हो गया लोग हमारे बेटा। मोर इतना बड़ा हो गया है। हाँ। तो उतना दिनों से कैसे घर का भरण पोषण अपना चला रहे हैं, खाना पीना कैसे कर रहे हैं? अपना पेट मानते ही, पेट तो दारू हाड़ी करिए ला, का करिए दिन बीमार हो गए तो पानी आने नहीं पा रहा थी, ऐसे खाने छोड़ दिले, दारू मन के बनाए बनाए के छुआ के पड़ुआ लाई गई है। हम मैंने दारू बेचते हैं, हड़िया दारू ना। हाँ, तो इधर छोड़ दिलिए। अभी छोड़ दिए हैं? काहे छोड़ दिए हैं? ये पानी आने पार भी नहीं कर, देखा शरीर कैसा नहीं है, कुकर गए हाथ गोड़। अच्छा, पैर से कह रहे थे कि चलने नहीं सकते हैं, क्या हो गया पैर में? यहाँ पे क्या दर्द है? दर्द है। हाँ, ठेमना का, ठेमना में दर्द है। हाँ, चल के नहीं पड़ रही है। मतलब कि दारू हाड़ी बेच करके अपना बेटा को पोसे हैं? हाँ, पढ़ाए हैं। हाँ, कितना तक पढ़ाए हैं? 9 क्लास। 9 क्लास तक? 9 क्लास, कल परसों थे परीक्षा लिखा, एग्जाम दिया है। हाँ, और टट सिल्वर जाएके। बड़ा कष्ट है आपका जीवन में? तो बहुत है, बहुत कष्ट है ना। दोस्तों, यह दीदी के पास हम लोग आए हुए हैं अभी। ये दीदी के हमें किसी ने सूचना दिया, तो ये दीदी बताई कि हमें बहुत तकलीफ़ है बेटा, हमें कुछ मदद कीजिए, मेरा पति नहीं है, जेल में है, और एक ये हैं और इनका एक बच्चा है, और पैर इनका जैसा बता रहे हैं डैमेज हो गया है, अब दारू हाँड़ी बना करके बेचने नहीं सक रहे हैं, खाने पीने में दिक्कत है। रोज कहाँ दी होला? नहीं कहाँ तर नहीं, लेकिन हमने आज हम कहा थे ये हम जे हम अखन खासी ले लियो 11,000 में। हाँ। अच्छा, हमार साई ससुर कर पार करबे कही के, तो अब उकर में नहीं कहते थे, अब अखन कहते थे कि तुर साइस कर भूत निकलाओ, तो तुर ससुर कर, काकी कर, चाची कर भूत निकलाओ, अब कहाँ पाबी दो भेड़ी यार, कहाँ पाबो हम कार निकाल बोल लाए, तो तुम्हें कहीं तो अब मुर्गी दू गो आपका परेशानी और खर्चा का घर लोग बतला रहे हैं ना। हाँ। हम के बीमारियों में हमको बहुत जो तकलीफ घर में चला बिना भातार कर जानी है हमें खान, वो छुआ के पड़ुआ थी, ये सब करुआ थी, ये खाना हमें खाना हमें फिर मूर्खी तुर्खी पखाना में तो हमें 13,000 रुपया लग लगे, हमें खन का करिए, खन आदमी बैठा है के खन पेपर छपाई है छपुआई वो कर 600 रुपया लगा था, हमें खाना कहाँ से छोड़ाबो यार, का करबो यार, छोड़ देबो कहाँ थी, तो छोड़बो तो कहाँ से छोड़बो, ये खन सब गिरवा लिए। पैसा का दिक्कत है आपको ना? हाँ। कितना पैसा खर्चा है? हाँ, ये खन सास ससुर का काम किया करने में ना। हाँ। कितना खर्चा है? 50-60 हज़ार रुपया से काम थोड़े लगता हूँ। 50-60 हज़ार रुपया लगेगा। हाँ। खेती बाड़ी ना है आपका? खेती बाड़ी साझा दिए ला, वो तो अपने मन खाती नहीं, तो देती ना उकर में का है, हम जो छह घर उजन बैठा लीजिए, ये खन हमको सोचे पड़ा था, ये खन हमके खाने पीने की दिक्कत है, सब कर दिक्कत घर में, खाने पीने के लिए है राशन वगैरह है? नहीं। दिखाइए तो कहाँ खाना आप कहाँ बनाते हैं, उठिए तो चलिए दिखाइए तो, खोलिए खोलिए, लचाइए नहीं। दोस्तों, ये दीदी रोने लगी थी अपना तकलीफ बताते बताते, देखिए चलिए दिखलाइए तो कहाँ आप खाना बनाते हैं, ये दरवाज़ा पूरा चादर का बनाए हुए है ना, है टीना का लकड़ी पाट दिए हैं, बहुत तकलीफ है। खाना कहाँ बनाते हैं आप? इसी जगह, ये आपका चूल्हा हुआ ना, है दो चूल्हा है, अरे लकड़ी जलाते हैं लगता है ना, ये रखे हुए हैं लकड़ी, ये बासन बर्तन, ये कुछ टमाटर है,
और चावल कितना है आपका घर में दिखाइए। ये तो इसमें इसमें तो हमको लग रहा है, निकालिए तो कितना के पहला होगा। दो पहला होगा, कितना होगा? दो पहला होगा। हल्का सा दोस्तों इसमें ये चावल देख रहे हैं, देखिए पूरा बड़ा सा बर्तन है लेकिन दो पहला चावल होगा। और ये पोलोथीन में लगता है आलू लाए हैं क्या? हैं आलू खाते बस डेली लाते हैं तो डेली खाते हैं ना। हाँ। चलिए बाहर बैठी दीदी बात करते हैं आपसे। ये छोटा सा कमरा है, दरवाज़ा लगा हुआ है दोस्तों और ये चदरा का है। ये दीदी हमारे लिए कुर्सी लगा दी है बैठने के लिए ना, बगल से ला करके हैं। और इधर भी खाना बनाते हैं लगता है, लकड़ी ये लकड़ी रखे हुए हैं जलाने के लिए रखे हुए ना। हाँ। ये जंगल से लाते हैं ना? हाँ नहीं जंगल से, हाँ जंगल से लाने लाया है तो बूढ़ा सबका पार करेंगे ना। हाँ। तो जलाएंगे कहाँ से? अच्छा ठीक है, वो मरखी में जो कर रहे हैं मरखी करेंगे। हाँ। तो उसमें जलावन के लिए काम लाएगा ना। मांगे हैं मुंडा सबको, मुंडा लोग से मांगे ना। अच्छा बैठिए बैठिए दीदी बैठिए, बात करते हैं आपसे। बहुत कष्ट है मतलब डेली लाना है तो डेली खाना है। हाँ। तो ऊपर में और ऊपर से लोड है मरखी का काम करना। हाँ। उसमें 50-60 हज़ार रुपया का खर्च है। खर्च है अभी। उसी में सबसे आपको ज्यादा परेशानी है कि कैसे। हाँ। वो काम क्रिया को गुजारिएगा। हाँ। हमको बुझा था कि हम कैसे इस तकलीफ के उठा पाए, आदमी के कैसे उठा पाए, सेके सोचलाई गई है हम। अभी लकड़ी के मांग लिए आदमी के, ये लकड़ी कोई दूसरा कोई दिया है? हाँ। मांगे है उससे दिया। हाँ। मुंडा लोग से, मुंडा लोग से तो। हाँ। मतलब मांग मांग करके जुटा जुटा करके रख रहे हैं, खाने पीने का भी दिक्कत है। ये चावल खत्म हो जाएगा तो कल फिर कहाँ से खाइएगा? कहाँ खा पाए, उधरा पहचान यही लगे मुँह दुकान में एक बोल ना खाए। और तुम रात के अंधार में था थका थत्तू को निकला थी ये। मतलब दुकान से उधार पैंच लेकर के चला रहे हैं, किसी तरह से जुगाड़ लगा के चला रहे हैं ना। हाँ तो दोस्तों इस दीदी को बहुत तकलीफ है, रोने लगी अपनी परेशानी को बताते बताते। हम मदद करवाएंगे दीदी, कुछ मदद करवाएंगे आपको। दोस्तों आप लोग इस दीदी के लिए मदद कीजिएगा, इनके सास ससुर को मरखी का काम करना है, लगभग 50-60 हज़ार रुपया खर्च बता रहे हैं ना। और खाने पीने का इनका राशन चालू करवाना है, जल्द से जल्द आप लोग सहयोग कीजिएगा ताकि इस दीदी का हम लोग मंथली का राशन चालू करवा दें। आदमी एखन 18 साल की 20 साल हो गए से खान से हमारा आदमी जेल में हो, तो हम एखन कहाँ करबो बेटी छुआ हो के कहाँ जाबो हम काम करे बूढ़ी आदमी। अब तो इनकर भरोसा में ही हो हमको कर देवा। चलिए ठीक है, हम मदद करवाएंगे। और ये अभी कुछ पैसा रखिए आप, कितना है वो? 500। अरे कितना है? 500, 1000। 1000 है। और हम मदद करवाएंगे आपको, हमको मदद कर दीजिएगा तो आपको भला दीजिएगा, भगवान देगा आपको ऊपर से मदद कर दीजिए ना। हाँ, दोस्तों ये दीदी विनती करके कर रही है, हाथ जोड़ के कर रही है कि आप इनके लिए मदद करें, इनके सास ससुर का मरखी का काम क्रिया करना है, उसके लिए इन्हें 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत है और खाने पीने के लिए राशन का ज़रूरत है, दिनचर्या का जितना हो दोस्तों कीजिएगा ताकि इस माता जी को हम पहुंचा दें। ठीक है दीदी, अभी हम जा रहे हैं ना। ठीक है, हाथ जोड़िए नहीं, हम आएंगे बार बार आपको मिलते रहेंगे आकर के। जो भी स्थिति रहेगा, जो भी पैसा आएगा, जितना होगा समर्थ देंगे हमें लोग, वो उतना हम आपको पहुँचाएँगे। ठीक ठीक तो हाँ।